अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको अवगत करवाते हैं, और साथ ही साथ ये बड़ी खबर क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए खबर इसीलिए बड़ी है, ये खबर हमारे खाने पीने से जुड़ी हुई है। सर्दियों का मौसम आते ही बर्ड फ्लू का खतरा जो है मंडराने लगता है, और जो लोग मांसाहारी हैं यानी मांस खाने के शौकीन हैं वो ये खबर बहुत ध्यान से देखे, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो इस खबर को बहुत ही ध्यान से देखे, और वेजिटेरियन वालों के लिए इतनी भी कोई खासी जो है दिक्कतें नहीं है। और जम्मू कश्मीर में यानी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिए है, और 5 मामले भी अभी तक सामने निकल कर आ चुके हैं। पशुपालन विभाग की ओर से प्रदेश के बाहर भेजे जा रहे मुर्गों के 5 सैंपलों को चेक किया गया है, और उन 5 सैंपलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई है, और अभी जम्मू कश्मीर में वहां से मुर्गे लाने के लिए रोक लगा दी गई है जहां पर बर्ड फ्लू का एक भी मामला जो है सामने आया है। और कहा यह जा रहा है कि जो विभाग के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि मुर्गे और चूजों की सप्लाई वहां से की जाए जहां पर एक भी यानी एक भी बर्ड फ्लू का मामला सामने ना आया हो। फिलहाल के लिए बता दें कि जांच चल रही है, और ये अभी के लिए कहां पर माल बेचा गया है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि 5 सैंपल कंफर्म कर लिए गए हैं जिनमें बर्ड फ्लू पाया गया है। अब जम्मू में ये भी आपको बता दें कि एक अलर्ट साउंड जारी कर दिया गया है, यानी अगर आप मुर्गा खाएं तो देख समझ कर खाएं, क्योंकि बर्ड फ्लू के दस्तक जो है वो आपके दरवाजे पर हो सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि ये बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, पहले उसके बारे में आपको जो है वो जानकारी दे दें। यानी ये जो बर्ड फ्लू है ये एक वायरस है जो हर साल मुर्गों में या चूजों में पाया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप एक बीमार मुर्गे या चूजे के पास जाएंगे तो ये जो है एयरबॉर्न डिजीज है, ये आपको भी हो सकती है। इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप अभी ये मुर्गे खाने से परहेज करें, और हर साल ऐसा होता है कुछ महीनों के लिए आप अपने पेट पर, आप अपनी चाहतों पर, आप अपने जो खाने की क्रेविंग है उस पर लगाम लगा लें, और मुर्गों को कम से कम खाएं ताकि आप बर्ड फ्लू से बच सके। लेकिन इतनी भी कोई बात नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं कि जहां पर 5 सैंपलों की पुष्टि की गई है उनमें बर्ड फ्लू पाया गया है, जिस संभाग में बर्ड फ्लू की दस्तक है उसके बाद में वहां पर अलर्ट है, लेकिन पूरे जम्मू की बात करते हैं, अभी वहां पर अलर्ट साउंड जारी किया गया है। आपको अब मुर्गा सोच समझ कर खाना है, अगर आप मुर्गा खाने के शौकीन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको मांस खाना यानी आप मांसाहारी, आपको मांस खाना पसंद है तो सोच समझ के खाइएगा, क्योंकि अगर ये बीमारी उसके शरीर से आपके शरीर में आएगी तो ना जाने आपके शरीर से जो है कितनों में चली जाएगी। तो आगे जो है वो आपको विस्तार से बताते हैं, जहां पर लखनपुर को आपको पता है कि वहां से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है माल को भारी मात्रा में किया जाता है, तो वहां पर जो रजिस्टर चेकअप पोस्ट है उस पर क्या लापरवाही ना हो, इसके लिए वहां पर एक टीम को तैनात कर दिया गया है, और पशुपालन विभाग की ओर से ये कहा गया है कि मुर्गों के जो 5 सैंपल है उनमें जो है पुष्टि की गई है। इसलिए जम्मू कश्मीर में अब ये हड़कंप मच चुका है, यानी बर्ड फ्लू फिर से वापस आ चुका है, और हर साल आता है, आप इससे निपटते हैं, और आपको भली भांति पता है कि किस तरह से बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों सगे संबंधियों को समझाएं कि बर्ड फ्लू जम्मू कश्मीर में आ चुका है, और अगर आप मुर्गे खाएं तो ध्यान से खाएं। और अभी के लिए आपको बता दें कि रोक बिल्कुल पूरी तरह से लखनपुर बॉर्डर के पास एक टीम को तैनात कर दिया गया है, उस चेक पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है कि अगर बाहर से मुर्गे या चूजे आ रहे हैं उनके सैंपल लिए जाएं, उसके बाद में वो मार्केट में छोड़े जाएं। और ये कह चुकी हैं वहां के डीसी सुषमा जी, उन्होंने ये कहा है कि वहां पर जिस तरह से मुर्गे उसी जगह से लाए जाएं, राज्य से लाए जाएं जहां पर एक भी बर्ड फ्लू का केस ना हो, और अगर चूजे भी आते हैं उनकी भी पुष्टि की जाएगी, उनमें भी कोई भी बर्ड फ्लू का सैंपल नहीं। एक बड़ी खबर है जो मांसाहारी है उनके लिए, अब आप देख लीजिए आपको मांस खाना है या कुछ देर के लिए आपको एहतियात बरतनी है, हालांकि हर साल बर्ड फ्लू आता है, आप भली भांति परिचित है, आपको करना क्या है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान से अल्लाह हाफिज़।